गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने बिहारी जी के जीवन परिचय के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उनके पदों का अर्थ समझेंगे। भक्ति नीति एवं श्रृंगार के दोहे उन्होंने लिखे हैं। पाठ के शुरू में उन्होंने भक्ति के दोहे लिखे हैं और सर्वप्रथम जो दोहा लिखा है वो कवि ने अपने आराध्य राधा कृष्ण के युगल स्वरूप को समर्पित किया। कवि का यह दोहा उनकी रचना सत्सई का भी पहला ही दोहा है और ये पहला दोहा कवि ने अपने आराध्य को समर्पित किया है। कवि ने यह दोहा मंगलाचरण के रूप में अपनी सत्सई में लिखा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। भव यानी संसार की, बाधा यानी कष्ट दुख, हरो यानी दूर करो। राधा, उन्होंने राधा जी को ही संबोधित किया है, नागरी यानी चतुर। तन यानी शरीर, झाई यानी परछाई पड़ने पर, परे यानी पड़ने पर, झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने पर, परछाई पड़ने पर। श्याम कृष्ण, हरित द्युति यानी हरी आभा वाले, हरित माने हरा, द्युति माने आभा, होई यानी हो जाते। यह उनका पहला दोहा अपने आराध्य राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप को ही समर्पित है। और इस प्रथम दोहे में कवि ने अपने सांसारिक कष्टों को दूर करने की प्रार्थना अपने आराध्य से की है। कवि राधा जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधा, आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर सकती हो। कि जो भी संसार में मुझे कष्ट मिल रहे हैं, दुख मिल रहे हैं, केवल एकमात्र आप ही हैं जो मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर सकती हैं। क्योंकि राधा के शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही कृष्ण हरि आभा वाले हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न दिखाई देने लगते हैं। हरा रंग प्रसन्नता का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ने से ही श्री कृष्ण हरि आभा वाले हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो यदि साक्षात राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करने की प्रार्थना यदि श्री कृष्ण से करेंगी तो श्री कृष्ण अवश्य मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दे। इसमें एक अर्थ उनके चितेरे स्वरूप यानी एक चित्रकार के स्वरूप के रूप में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि राधा का गौर वर्ण पीला रंग है, श्री कृष्ण का श्याम वर्ण नीला रंग है और एक चित्रकार जब पीले और नीले रंग को मिलाता है तो वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ उनका एक अर्थ चितेरे कलाकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध है कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर जो है वो हरा रंग बन जाता है। दूसरे पद में भी श्री राधा के सौंदर्य को उन्होंने उर्वशी नामक अप्सरा के सौंदर्य के समान बताया और
उनका मानना है कि राधा जो है वो श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। उर्वशी वारों यानी न्योछावर करती हूँ। उर्वशी इंद्र के दरबार की एक अप्सरा का नाम। सुनी राधिके, हे राधिका सुनो, मोहन यानी श्री कृष्ण के उर्वशी यानी हृदय में निवास करती हो। उर्वशी एक आभूषण जो श्री कृष्ण अपने हृदय पर धारण करते। मुख्यतः ये आभूषण वैजंती माला के रूप में माना जाता है कि वो सदैव अपने हृदय पर उसको धारण करते। यहाँ एक गोपी राधा के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे राधा, तुम्हारा सौंदर्य अनुपम है, अद्भुत है, और मैं तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा के सौंदर्य को भी न्योछावर करती। यानी उर्वशी नामक अप्सरा अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है, लेकिन राधा का सौंदर्य उससे भी अधिक अनुपम है, अद्भुत है, और वो उस पर न्योछावर करती। साथ ही वो कहती हैं कि हे राधा, तुम श्री कृष्ण के हृदय में वैसे ही निवास करती हो जैसे श्री कृष्ण अपने हृदय में वैजंती माला नामक आभूषण को धारण करते। कि हे राधा सुनो, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर उर्वशी नामक अप्सरा के सौंदर्य को भी न्योछावर करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा सौंदर्य उससे कई गुना अधिक अनुपम है, अद्भुत है, अद्वितीय है, और तुम इसी कारण श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हो, क्योंकि श्री कृष्ण जिस प्रकार अपने हृदय पर वैजंती माला नामक आभूषण को सदैव धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के हृदय में सदैव निवास करती। यमक उर्वशी उर्वशी शब्द की आवृत्ति हो रही है, और इस शब्द की आवृत्ति होने पर भी अर्थ उनके अलग अलग हैं, इसलिए इस पंक्ति में यमक अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य हो रहा है या यमक अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। तीसरे पद में कवि ने अपने उद्धार करने की याचना अपने आराध्य से की है, और वो कहते हैं कि मेरा जब उद्धार इस संसार से हो जाएगा, मेरी जब मुक्ति इस संसार से हो जाएगी, तभी मैं आपके उस स्वरूप को सार्थक समझूंगा कि आपने इस संसार में अनेक पापियों का उद्धार किया है। बंधु भय का दीन के, बंधु यानी मित्र, दीन के यानी पापी व्यक्ति के, तार्यो यानी इस संसार से पार उतारना, रघुराई श्री राम। अब हम एक तरफ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री कृष्ण आराध्य हैं, और यहाँ उन्होंने श्री राम का नाम लिया है, तो राम और कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप है, एक ही अवतार है, इसलिए हम यहाँ राम को भी महत्व, राम के नाम को भी महत्व दे सकते हैं। टूटे टूटे फिरत हो यानी संतुष्ट होकर घूम रहे, झूठे विरद, विरद माने कीर्ति, झूठे मतलब झूठी है, कहाई यानी कही जाती है। यहाँ उन्होंने
श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे श्री राम, आपने किस पापी का उद्धार किया है? बंधु भये का दीन के कोतार्यो रघुराई, कि हे श्री राम, आपने किसका उद्धार किया है और आप किस पापी के मित्र बने हैं, सहायक बने हैं? आपको लगता है कि आपने संसार के पापियों का उद्धार कर दिया है, इसलिए आप संतुष्ट होकर घूम रहे हो, परंतु मुझे तो आपकी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि झूठी प्रतीत होती है, क्योंकि मुझ जैसा पापी तो अभी भी इस संसार में बैठा हुआ है। कि हे श्री राम, आप किस पापी के मित्र बने, किसका आपने उद्धार किया? इस संसार के लोग आपको पापियों का उद्धार करता मानते हैं और इसीलिए आप संतुष्ट होकर घूम रहे हैं कि मैंने संसार के सभी पापियों का उद्धार कर दिया है, परंतु मुझे तो आपकी कीर्ति झूठी प्रतीत होती है, क्योंकि मुझ जैसा पापी तो अभी भी इस संसार में बैठा हुआ। मेरा उद्धार होने पर ही मैं आपके उद्धारकर्ता के स्वरूप को सार्थक समझूंगा। कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुमहू लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। टेरतु पुकार रहा हूं, दीन रट यानी दुखी होकर, होत ना नहीं हो रहे हो, श्याम यानी कृष्ण, सहाय यानी सहायक, जगत गुरु संसार के गुरु हो, जग नायक संसार के नायकों की, जग यानी संसार, बाई यानी हवा। उन्होंने उल्हाना दिया, उपालंब दिया अपने आराध्य को कि आप मेरी पुकार को नहीं सुन रहे। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं दीन बनकर कब से आपको टेर रहा हूँ, कब से आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप सहायक नहीं बन रहे। आप मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे, मेरी कोई सहायक नहीं बन रहे। हे जगत गुरु, हे संसार के गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी जग नायक संसार के नायकों की हवा लग गई। जिस प्रकार संसार के जो नायक हैं वो स्वार्थी हैं, निष्ठुर हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी पुकार को, दीन पुकार को नहीं सुन रहे हैं, मेरी पुकार को आपने अनसुना कर दिया है और मेरे सहायक नहीं बन रहे। कवि कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आपको कब से दीन बनकर पुकार रहा हूँ, परंतु आप मेरे सहायक नहीं बन रहे हैं, मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। हे जगत गुरु, हे संसार के गुरु, ऐसा लगता है तुम्हें भी संसार के नायकों की हवा लग गई है और संसार के नायकों की तरह आप भी जो है वो स्वार्थी हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं, अपना कर्तव्य भूल गए। संसार की हवा लगना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का प्रयोग जो है वो कवि ने इस पद में किया। अगले पद में कवि ने ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया है और वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम
जो है वो निर्मल और पवित्र हो जाते। अनुरागी चित्त की, अनुरागी यानी प्रेम करने वाले, चित्त यानी मन की गति समझे नहीं कोई, कि इस गति को, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों जैसे जैसे बूढ़े, डूबना, श्याम रंग, काला रंग, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्ज्वलु यानी सफ़ेद। बूढ़े श्याम शब्द का अर्थ यहाँ दो है, श्याम यानी श्री कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और श्याम काले रंग के लिए भी प्रयुक्त हुआ। उज्ज्वलु शब्द के अर्थ भी यहाँ दो होंगे कि सफ़ेद रंग और निर्मल मन। यहाँ कवि कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने वाले मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे व्यक्ति काले रंग में डूबता है वैसे वैसे वो सफेद होता जाता है। कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे व्यक्ति काले रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल होई, वैसे वैसे वो सफेद रंग में, सफेद रंग का हो जाता। अर्थात जो भक्त है वह अपने आराध्य की भक्ति में डूबा रहता है, उसकी भक्ति की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे वह श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता चला जाता है वैसे वैसे वह निर्मल मन का होता चला जाता है। प्रस्तुत पद में मुख्यतः विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। विरोधाभास जहाँ विरोध का आभास हो, वे काले रंग में डूबने पर व्यक्ति सफ़ेद नहीं हो सकता, लेकिन अर्थ करने पर ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते हैं वैसे वैसे हमारा मन पवित्र हो जाता है। या अनुरागी चित्त की, दोबारा सुन लें, गति समझे नहीं कोई, कि ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्त मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे वह काले रंग में डूबता है वैसे वैसे वह सफ़ेद हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे वैसे उसका मन जो है वो पवित्र होता जाता है। अगले पद में भी कवि ने अपने मन को संबोधित किया। मन को उन्होंने अज्ञानी माना है, गंवार माना है, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा मन चंचल होता है, माया मोह से ग्रसित रहता है और ईश्वर की भक्ति नहीं करता बल्कि उससे भागने का प्रयास करता है। भजन कयो यानी ईश्वर, भजन माने ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए कहा। ताते भजियो, भजियो यानी भजन करना। भजन, एक भजियो का अर्थ है भागना, एक भजियो का अर्थ है भजन करना। भजन कयो ताते भजियो, भजियो न एको बार। पहला जो भजियो शब्द है उसका अर्थ है भागना और दूसरा जो भजियो है उसका अर्थ है भजन करना। दूरी भजन, सांसारिक सुख, नीचे वाले भजन का अर्थ हम करेंगे सांसारिक सुख, दूरी यानी दूर जाने के लिए का। सोते भजियो गंवार, भजियो यानी भजन किया उसी में डूबा रहा, गंवार यानी अज्ञानी मूर्ख। यहाँ अपने चंचल मन को, मन के लिए उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर की भक्ति में एकाग्र नहीं है,
ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहा है। तो वो कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि मैंने तुमसे ईश्वर का भजन करने के लिए कहा, लेकिन तुम उससे भाग गए और एक बार भी तुमने ईश्वर का भजन नहीं किया। कि मैंने मन को कहा कि तुम ईश्वर का भजन करो, ईश्वर की पूजा करो, लेकिन तुम उससे भागते रहे, तुमने एक बार भी ईश्वर की उपासना नहीं की, भजन नहीं किया। और हे अज्ञानी मन, जिन सांसारिक सुखों से मैंने तुम्हें दूर जाने के लिए कहा, तुमने बार बार उसी में तुम डूबे रहे, बार बार तुमने उसी का सेवन किया और ईश्वर की आराधना करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ भज्यो भज्यो शब्द दो बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक बार भजन करना, दूसरी बार भागना। इसलिए यमक अलंकार जो है उसका सौंदर्य इस दोहे में जो है वो दिखाई दे रहा है।